आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। रामपुर की मिलक तहसील के कस्बा खाते नगरिया में आज शार्क मीडिया की टीम निकल चुकी है, जानेंगे खाते नगरिया का हाल। आज हम पहुंच चुके हैं जिला रामपुर के मिलक तहसील के ग्राम खाते नगरिया में और खाते नगरिया के सभासद से आज करेंगे यहाँ की समस्या पर बात। आइए, हम पहुंच चुके हैं ग्राम खाते नगरिया में और यहाँ की समस्याओं को देखेंगे। यहाँ लोग बेहाल हैं, रास्ता बहुत ही ख़राब है और गांव के जितने भी लोग हैं, जितने ये मोहल्ले हैं और वार्ड नंबर 19 के मेंबर जो हैं उनसे अभी जानेंगे। लेकिन आइए, यहाँ का बदहाल देखिए, लोग निकलने से परेशान हैं, ज़िंदगी जीने से परेशान हैं। क्या हाल है यहाँ का? लोग परेशान हैं, बदहाल हैं और निकलने को, घर से निकलने को परेशान हैं, मजबूर हैं। कहाँ से निकलें, कहाँ जाएं, बच्चे निकल नहीं सकते, बहुत परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, घर में से कैसे निकल के जाएं, उड़ के जाएं, क्या करें। बहुत परेशान हैं यहाँ के लोग और यहाँ की समस्याओं को लेके कई बार शिकायत कर चुके हैं, उस पर भी कोई नगर पालिका के सिर पे जून तक की नहीं रिंग रही है। आइए जानते हैं सब वार्ड नंबर 19 के मेंबर से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। मैं कई बार इसका प्रस्ताव भी दे चुका हूं जी। ये नाला पास हो गया है लेकिन कुछ लोगों ने इस नाले को नहीं निकलने दिया और कहते हैं भाई हमारे खेत में की ज़मीन जा रही है, हम नाला नहीं निकलने देंगे। तो सरकार कोई भी निर्णय इस पर नहीं ले रही है, ना बहुत ढील बरत रही है जी। इनको उनकी खुद की सरकारी गूल है तो उसको भी नहीं निकलवा सकती, सरकार अपनी गूल को नहीं निकलवा सकती तो क्या करेगी फिर सरकार जी, जी। मैंने कई बार प्रस्ताव दिया, मैंने कहा इसको कराओ, अगर यहाँ से नहीं हो रहा शासन को भेज के उसकी नपत करा लो, पक्की नपत कराएं। लेखपाल को विज्ञापन लिख के अपने, मैंने कहा लेखपाल को दो अपने लेटर लिख के लेखपाल इसकी नपत करे। तो मुझे कम से कम एक महीना हो गया कहे इस बात को भी कि लेखपाल को आप लेटर लिख दें नगर पाल का, ताकि वो लेखपाल आने की नपत करे इसकी। तो ना नगर पाल का लेटर लिख रही है नगर पाल का उसको लेखपाल क्या, क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आज लिख दूंगा, कल लिख के दे दूंगा, महीने बीत जाते हैं एक छोटे से काम के लिए, कई कई महीने बीत जाते हैं। इसको पास हुए भी कई महीने को साल भर होने जा रहा है, पैसा इसका निकल गया है लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई ना कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं भी तो आगे शिकायत ही कर सकता हूँ, प्रस्ताव देता हूँ, प्रस्ताव पास हो रहा है उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। जनता परेशान है, पानी में को निकल रही है, इतना गंदा पानी है कि एक बार जो निकल जाए तो बीमारी पैदा हो जाए, मच्छरों से बेहाल है पूरा मोहल्ला, बीमार डेंगू मलेरिया बनता रहता है। तो आप कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा प्रशासन है। स्वस्थ भारत मिशन चल रहा है, उसके तहत भी अगर ऐसे काम नहीं हुए गंदगी को साफ करने के लिए तो गंदगी साफ ही नहीं हो रही है। आपका कहना है एक साल हो गया? एक साल हो चुका, तो कोई भी सुनवाई नहीं, किसी रंग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर रहा है, ना किसी कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि इसको निपटाएं मसले को। ये लोग बहुत परेशान हैं, पूरी गली का पानी रोड पे खड़ा है, कहाँ को निकल के जाए, इनकी बेटियों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं, कोई रिश्ते लेके आता है वो रिश्ते तक नहीं है। आइए चलते हैं ग्राम खाते नगरिया के वार्ड नंबर 21 में और क्या है बिजली की समस्या का यहाँ पे देखते हैं। खंभे तो लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं, खड़े हैं हाथी की तरह, पर इसमें दांत नहीं है। आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 21 के सभासद। मेरा नाम मोहम्मद हसीब साहब है और साहब क्या समस्या है? समस्या क्या है, इसे ट्रांसफार्म देख ही रहे हैं आप, 8 महीने हो गए इसे ट्रांसफार्म को लगे हुए। मैं बिजली घर जाता हूँ, जय साहब से कहता हूँ, SDO साहब से कहता हूँ कि साहब नई लाइन चालू कराई जाए जो कि लोगों की समस्या दूर होए इसमें। अब जय साहब कह देते हैं ठीक है कराते हैं, जो लोकल ठेकेदार ने ठेका किया था उससे भी मैंने फ़ोन करके कहा तो वो भी यही कहता है कि बदलवा देंगे, अभी केबिल नहीं आया है, ये नहीं आया है। अब जो है कि मिलक बिजली घर पे SDO साहब पे जय साहब पे जिम्मेदारी है इसकी, जब दिल चाहे करा दें वो, मगर उनका कहना यह है कि जब तार आएगा जब कराएंगे हम। और मिलक में जो तार पिलगा उन्होंने तुरंत 3 दिन के अंदर अंदर तार बदलवा दिया वहाँ का। अब ये 11,000 की लाइन का तार जो पिलगा पड़ा है इससे लोग कम से कम 3,000 लोग परेशान है कनेक्शन लेने से। बिजली घर जाते हैं, जय साहब कहते हैं कि साहब आपका खंभा बहुत दूर पड़ रहा है, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर वो चोरी पे आता है तो उसे पकड़ने के लिए धरना वो करते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स भेजते हैं, उसे पकड़वाते हैं, उसके RC कटवाते हैं, चालान काटते हैं उसका, फिर उसके बाद में 25,000, 30,000, 50,000 का जुर्माना उस बंदे पे डालते हैं। गरीब आदमी है यहाँ के, सब मजदूर आदमी है, तो आप बताइए कि क्या करेंगे, 25-25, 30,000 रुपये भरेंगे उसमें। तो कितने कनेक्शन है यहाँ पे? कनेक्शन तो कम से कम इस पर 3,000 कनेक्शन बढ़ेंगे अगर लाइन चालू होगी तो।
अब क्या हाल है इनका? हाल क्या है, मैंने अभी परसों पल्ले दिन भी कहा था उनसे और मंगल दिवस में भी दिया, तो ये कह रहा है बोले ठीक है हम करते हैं जुगाड़, केबिल आता है तो हम बदलवा देंगे उस पर, बाकी कोई जू नहीं रेंग रही है कान तले उनके बिल्कुल भी। अब आपने कब कहा था? अभी मेरी परसों बात हुई है जय साहब से भी, एसडीओ साहब से भी बात हुई मेरी इस बारे में, कोई निर्णय नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया इस बारे में। मैं अखलाक अहमद, कैमरा पर्सन गुड्डू खान के साथ शार्क मीडिया न्यूज़ रामपुर।